ज्वलंत मुद्दे लेकर आए हैं और वो हैं आपको सफल होने के कुछ वर्तमान तरीके, यानी वो कौन से तरीके हैं जिससे आधुनिक काल में बच्चे, अभी के समय में बच्चे सफल हो जाए। तो मैं थोड़ा इस पर बताने जा रहा हूं कि देखिए दो तरीके हैं बच्चों के। एक, सबसे पहले देखिएगा चेहरा बीच में, आप कैमरा चला लिया, चेहरा बीच में नहीं आ रहा है आपका। तो एक तरीका है आपका सफलता के लिए समस्या क्या है, ठीक है, और दूसरा इसका तरीका है कि समाधान क्या है, ठीक है, समाधान। कई बार देखा गया है कि हमारे जैसे शिक्षक लोग, अभी भी कैमरामैन से मैं कहूंगा कि आपके कैमरे बीच में नहीं आ रहे हैं और आप गलत तरीके से कैमरे को पकड़े हुए हैं। जब तक हाँ ठीक से पकड़िए और ठीक से आना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि ये समस्या क्या है बेरोजगारों का और समाधान क्या है ताकि वो नौकरी को बढ़िया से प्राप्त कर पाए। तो बोर्ड पर थोड़ा हमको जगह मिलना चाहिए पूरा का पूरा, तब जाके हम आपको बता पाएंगे कि समस्या क्या है और फिर इसका समाधान भी क्या है। दो शीर्षक बनाते बताते हैं हम आपको। सबसे पहले यहां बेरोजगार, और ये बेरोजगार शीर्षक सरकारी नहीं है, जीके जीएस की आंकड़ा नहीं है, और तब देखेंगे यहां समस्या, ठीक है, और फिर देखेंगे समाधान। समाधान भी दूसरा कलर कर देते हैं हम। कैमरा मैन सही ढंग से कैमरा नहीं पकड़े हुए हैं, ये मैं बार बार देख रहा हूं। जब भी मैं हिलूं और डुलूं तो हाथ घुमाना होता है, कैमरा फिक्स करके नहीं होता, मैं जिधर जाऊं उधर कैमरा जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा। फिर जो लिखा गया है उसको जूम करके दिखाया जाए तब बच्चे देखेंगे, इन्हें की पूरा स्ट्रेट पकड़ना है, थोड़ा जूम करने के लिए हाथ में दिया गया है, ठीक है। तो देखेंगे, थोड़ा कलर में चेंज कर दो। सबसे बड़ी समस्या है एक जो बच्चों की जिंदगी में अक्सर हां देखने को मिल रही है, प्रेम। और ये प्रेम जो है आजकल, वो कहने के लिए प्रेम है, ये वासना है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है सबके साथ जो है मोबाइल के युग में, न लोक लज्जा रही है और न किसी प्रकार का कोई लोगों में संस्कार रहा, प्रेम यानी वासना। दूसरी चीज है शौक, और ये भी जो शौक है सबके अंदर वो अत्यधिक महंगी है। बच्चों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है महंगी शौक, महंगी गाड़ी, महंगे भवन, महंगे जूते, महंगे चप्पल, महंगे मोबाइल, महंगे कोट, महंगी घड़ियां वगैरह, ये सारी चीज देखने को मिलता है। ये दूसरी बड़ी समस्या है जो युवाओं में देखा जा रहा है। तीसरा चीज जो है इनमें उदंडता यानी कृत्रिम बढ़ाई कर सकते हैं इसको, यानी बेवजह का समाज, बेवजह का समाज, ये भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जो चौथा चीज देखा जा रहा है वो है अपव्यय, अपव्यय। पांचवा चीज है सिटिंग पावर का अभाव, ठीक है, ये है स्थिरता का अभाव, स्थिरता का अभाव। और ओवरऑल इस सब के कारण जो बच्चों में देखने में आजकल आ रहा है, और वह है आपका इसका रिजल्ट देखें तो, इसका रिजल्ट देखें
ये इससे ग्रसित बहुत ज्यादा बच्चे हो गए हैं आज के डेट में। तनी न तनी डिप्रेशन में सभी है और वे इस अपने डिप्रेशन को पर्यंत नहीं कर रहे हैं। वो जानते ही नहीं है कि मैं डिप्रेशन में हूं। कई बार ये होता है, कई बार अपने डिप्रेशन को वो छुपाते नजर आते हैं, कई बार डिप्रेशन को शेयर भी करते हैं तो वैसे दोस्तों के साथ करते हैं जो उनका समाधान नहीं करता और डिप्रेशन की मात्रा को बढ़ा देता है और इस डिप्रेशन से ही उनमें जन्म लेता है पुनः यह दुगुना। यानी इस डिप्रेशन के कारण जो ये समस्या है ये दुगुना, फिर चार गुना और उसके बाद जीवन कष्टकारी हो जाता है। डिप्रेशन होगा तो उसमें ज्यादा प्रेम करने लगते हैं बच्चे, डिप्रेशन होगा तो उनकी शौक और बढ़ जाती है, गांजा की, भांग की, अफीम की, चरस की, मेला बाजार घूमने की, डिप्रेशन को मिटाने के लिए। डिप्रेशन हो जाता है तो बेवजह किसी के बारात में, छेका में, तिलक में, बारात में बच्चे घूमने लगते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी वैलेंटाइन डे, उसके बाद होली, कपड़ा फड़ोवल, शमहत, छठ वगैरह में भी बहुत ज्यादा बम पटाखा उड़ाना वगैरह, ये सब दूना तूना कर देते हैं। ध्यान रखिएगा अपव्यय, जब ये करेंगे तो अपव्यय बढ़ी रहा है और ये जन से स्थिरता का अभाव और ज्यादा अस्थिर हो जाते हैं। बम पटाखा वगैरह सब चलाएंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। अब वो करें क्या, इसका समाधान क्या है? देखिए समस्या वासना, शौक, बेवजह का समाज, अपव्यय और स्थिरता, ये प्रारंभ में आज के युवा को नौकरी में सबसे बड़ी समस्या है। बच्चे बाजार जाते हैं तो हमने देखा है कि वो चाहते हैं कि किधर देखे, वो ज्यादातर सड़कों पर चलने वाली स्त्री है तो पुरुष को, पुरुष है तो स्त्री को, मुड़ी गारे हुए हैं लेकिन उनकी ध्यान देखिए थोड़ा छिप पर कहां टिके हुए हैं। जितनी भी युवतियां हैं वो उनको देखना पसंद करती है जो लंबे हैं, गोरे हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, R15 है, बुलेट से चल रहे हैं, महंगी मोबाइल रखे हुए हैं, वो घूम घूम कर भी उनकी ध्यान जब करती है। और पुरुष है उनका भी वही आदत है, लेकिन एक प्रेशर में है कि हमको कोई जाने नहीं कि मेरे अंदर ये चीजें उत्पन्न हो रही है, वो एक दबाव में रखते हैं। मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूं, पर मेरे अंदर जो है ये बेवजह की वासनाएं आग लगाई हुई है, ये किसी को शेयर नहीं करते, दबाए हुए और उस दबाने के कारण वो जहां तहां उसको छुप छुप कर प्रकट करते हैं जो बेरोजगारी को जगह देती है। दूसरा है शौक, शौक उनके अंदर है कि वो महंगी गाड़ी पर चले, महंगी जूता पहने, महंगी घड़ी पहने, महंगे मोबाइल रखे, महंगे होटल में खाए, तो ये सारी चीजें जो है उनको ये शौक, मोमोज खाए, चौमिन खाए, आइसक्रीम खाए, ठंडा पिए, ये गजब की शौक उनके अंदर आ गई है। हाथ में कड़ा पहने, अच्छे अच्छे जगह जाए, ये शौक, महंगी शौक। आगे बेवजह का समाज, ये भी बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या आज के नौजवानों को है। कैसे? हालांकि कोई भी कहेगा मेरे अंदर ऐसे नहीं है, मेरे बेटा बेटी में ये नहीं है, मैं इसका आदि नहीं हूं, लेकिन है सब, मैं भी इससे वंचित नहीं हूं। और ना आज के डेट में कोई है जो देख रहे हैं हमारे फेसबुक पर वो भी कहेंगे मैं नहीं हूं। लिखना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है बाबू। मिर्चा को कोई कहे तीखा नहीं लगता, चीनी को कोई कहे मीठा नहीं लगता, आग को कोई कहे ठंडा लगता है, पानी को कोई कहे आग की तरह जलाता है,
तो निश्चित रूप से वो केवल कह रहा है, हकीकत नहीं है। ये सबके अंदर है, लेकिन आज की जो चीजें हैं वो ये ज्यादा युवाओं को, बेरोजगारों को आगोश में लिया है। बेवजह का समाज वो बर्दाश्त ही नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी है एक भी तुम ढूंढ लो इस संसार में, कहने के लिए तो सब फेसबुक पर भी कहेंगे, आप लोग भी कहेंगे, एक भी ढूंढ लो संसार में जिसके पास मोबाइल हो और उसके मोबाइल का नंबर केवल कोचिंग वाला के पास, उसके मास्टर के पास, उसके पापा के पास, उसके मम्मी के पास है। एक भी अगर संसार का कोई व्यक्ति मिल जाए जिसका नंबर इसके अलावा किसी के पास नहीं हो, तो समझ लेना कि वो बेवजह के समाज में नहीं लगा है। सभी लगे हो, सबकी इच्छा है मेरे साथ कुछ नवजुवक हो जाते, मैं थोड़ा जंक्शन जाके घूम आता, मैं थोड़ा होटल में घूम आता, मैं थोड़ा पार्क में घूम लेता, मैं छिका में चल जाता। एक बहुत जिगरी दोस्त है, जिगरी ज्यादा जोमा जन्म लेता ना, जिगरी कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आता। जिगरी दोस्त की शादी है, मेरे दत कटा हुआ रोटी के दोस्त की मां मर गई है, जाना जरूरी है। ऐसा ऐसा लोग शब्द बोलता है, मुंह बोली बहन का शादी है मुझे जाना जरूरी है। तो ये जो है आपका बेवजह का समान सभी युवाओं को जोड़े हुए हैं। वो जहां जा रहे हैं उनका दोस्त मिल जा रहा है, होटल में जाएंगे वहां दोस्त है, बाजार जा रहे वहां दोस्त है, हितई किसी गए वहां दोस्त है, कोचिंग गए वहां दोस्त है। तो ये बेरोजगारों को, और ये देखिए अपव्यय यहां महंगी जो है के साथ अव्यय भी है। उनके पास लगता है कौवा रहा है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति ने 1300 रुपया दिया है। मैडम जो है बोली आप ही अपने ही पास रख लीजिए, आपको बहुत सारे खर्च है, किसी को मजदूरी ही देना होगा या तुलसी के पौधा मंगाना है, बृहस्पति लगाना है, तो कहां से पैसा आएगा। इसे 1300 रुपया आपके पास आज आया है, आप रख लीजिए। क्योंकि मैं दूसरे के सामने बोल रही थी, उनका सम्मान करना फर्ज था, उनका अपमान करना अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने वो 1300 रुपया पॉकेट में डाल लिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैंने उनको बुलाया है कि आइए अकेले, और मैंने 200 रुपया फीट कर उनको और 1500 रुपया कर दिया और कहेंगे आप रख लीजिए, क्योंकि बच्चे का फी देना है, सर पढ़ाते हैं उनको, भाई पेमेंट का समय आ गया है, उनको कल पेमेंट देना है, घर में जो काम कर रही है उसको देना है। तो इसलिए हमने उनको 200 रुपये फेट दिया है और 15000 कभी कभी धरा दिया है, सॉरी 1500। तो कहने का अर्थ है कि यहां पर अपव्यय रोका गया। वो चाहते, मैं अगर मैं चाहता तो 1300 रुपये कहीं लगा देता, खर्च कर देता, लेकिन नहीं, मैं सोचा कि अगर ये 1300 रुपये मैं खर्च कर रहा हूं 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, तो मेरे यहां बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए क्यों नहीं उस पैसे को मैं बचाऊं। और 200 मेरे पॉकेट में जिनसे बचे थे वो भी मैंने जोड़ कर दे दिया, पूरा 1500 के पास मैंने दे दिया। क्योंकि वो स्त्री कहां खर्च करेगी, वो कहां व्यय करेगी, उनको जहां भी खर्च करना है मेरे माध्यम से ही करना है, तो सुरक्षित तो रखेगी ना कम से कम। इसलिए अब व्यय को रोकने से ही विकास होगा। आज के युवाओं में क्या है, अगर उनके पास 1300 रुपये आ जाए, 1500 आ जाए, तो बेचैनी धर लेगा, गाड़ी में तेल भरा लेते हैं 100 रुपया का, चलो 100 रुपया का आज पैसा आ गया है, चौमिन खा लेते हैं, कल आइसक्रीम खा लेंगे, चलो गर्लफ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज करा देते हैं, अपनी मोबाइल का जो है कोई पैक ले लेते हैं, एक काम करते हैं थोड़ा सा दाढ़ी सेविंग करवा लेते हैं, कल चूंकि शुक्रवार है वो आएगी और मुझे देखेगी और मैं पसंद नहीं आया तो शायद छोड़ देगी, चलो थोड़ा मसाज भी करवा लेते हैं। इस टाइप का अपव्यय आ गया है एकदम से, जो नौकरी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। और नेक्स्ट है, ये सारा होगा तो स्थिरता का अभाव है। बच्चे अस्थिर होते जा रहे हैं, माता पिता उनका कितना मेहनत करता है ये ध्यान नहीं देते। एक ध्यान देना कि
एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा था कि चांद की चमक जब बढ़ती है जब सूर्य उसे चूमता है। चांद की चमक, पूरा लाइन नहीं बोलूंगा, बोलना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे हैं देख रहे हैं, यहां भी कुछ बच्चे देख रहे होंगे, कि चांद की चमक तब बढ़ती है जब सूरज उसे चूमता है। डैश 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 मेरी सिंगार तब शोभती है जब मुझे कोई डैश डैश डैश, यहां बोलने लायक नहीं। तो ये बताइए, इसको तो लोग कहेंगे ना कि भाई चांद में सही में अपनी रोशनी है नहीं, वो तो सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। ध्यान रखना, चंदा मामा है, मामा के बारे में नहीं सोचा जाता, और सूर्य पिता है, उनके बारे में नहीं सोचा जाता, वो प्रकृति के आधार है। हम लोग अगर उसी चुमा में रह जाएं और उनके उस चुमने को, प्रकाश को कोई और अर्थ समझ लें, तो फिर बेरोजगारी सताएगी ही सताएगी। हम पढ़ाते हैं तो इसलिए नहीं कि सबको सरकारी नौकरी हो जाए, हालांकि ज्यादा होता है, लेकिन मैं इसलिए भी पढ़ाता हूं कि जो यहां से निकले वो बेरोजगार नहीं रहे। और अभी तक स्टडी पॉइंट से निकला हुआ कोई बेरोजगार नहीं है, जो कुछ नहीं किया वो वार्ड कमिश्नर हो गया, कुछ नहीं किया। वो मुझे गाली देता है कि सर के पास मैंने 1500 रुपया देकर पढ़ा था, आज कुछ नहीं हुई, लेकिन उसने अपने गांव का सबसे लजकोकर था, घर घुसना था उसका नाम,